सिंगरौली जिले के नगर निगम वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल और नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे की उपस्थिति में एनटीपीसी विध्यांचल के सहयोग से वार्ड वासियों को पौधे और मच्छरदानी का वितरण किया। महापौर रानी अग्रवाल व नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा की सराहना की। वहीं वार्ड पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमने सोचा कि वार्ड वासियों के लिए कुछ अच्छा करें, तो हमने एनटीपीसी विध्यांचल के सहयोग से विभिन्न प्रजाति के पौधे व मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का वितरण किया। वहीं मच्छरदानी व पौधे पाकर वार्ड वासी काफी खुश नजर आए। आज वार्ड 36 में CSR के माध्यम से पौधारोपण का और मच्छरदानी वितरण का आज कार्यक्रम था और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। हमारी जनता जनार्दन ने इसमें भाग लिया, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि पौधे लगाने की बहुत ही आवश्यकता है आज देश में। आज हमारे इधर नगर निगम में बहुत ही आज देख रहे हैं कहीं भी बारिश नहीं हो रही है और जल स्तर एकदम नीचे तक धरातल पर पहुँच गया है, इसलिए बहुत जरूरत है पौधे लगाने की आवश्यकता है। देखिए, पार्षद जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को जो अभी बारिश के सीजन में बीमारियों का जैसे बुखार और अन्य मच्छरों का आतंक की वजह से हो रहा है, तो उनको इससे निजात मिलेगी। वृक्षारोपण का कार्यक्रम कल भी एक बगल में आपके थाने बिननगर के बगल में हुआ। नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है इस बार। आज श्रावण मास के प्रथम दिन सोमवार को ये शुभ अवसर पर परम सम्माननीय हमारी महापौर महोदया, अध्यक्ष महोदय और हमारे पार्षद मित्रगण और हमारी वार्ड के देवतुल जनता जनार्दन को दुखों को समस्याओं को विभिन्न प्रकार की ओर देखते हुए आज मच्छरदानी वितरण का कार्यक्रम और पौधा वितरण का कार्यक्रम कराया गया, ताकि हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जो तो आप सबको पता है कि सिंगरौली में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है, जल स्तर क्या है, बरसात की स्थिति सबके सामने है। इस सब समस्याओं को देखते हुए वृक्ष लगाने का हमने लक्ष्य रखा और उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।